मैं रास्ते में था, मुरादाबाद से खड़ी देख कर मैं घर से 4:15 बजे निकला और मेरा ये इरादा था, ये सोच थी, ये फिक्र थी कि 8:15 तक मैं आपके यहाँ पहुँच जाऊँ। लेकिन रास्ते की ताखीर ने मुझे एक नई सोच आता थी और मेरे जहन में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आई। आप फरमाते हैं, आप तो रब्बी बिफस्ख अलअज़ाइम, कहते हैं ऐ लोगों, मैंने अपने इरादों को जब टूटता हुआ देखा तो मैंने अपने रब को पहचान लिया और ये यकीन मेरे दिल में बैठ गया कि दुनिया में जो होगा वो अल्लाह चाहे। इंसान के इरादे को उस वक्त तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकती जब तक कि खुदा का वक्त, उसका कर्म और उसकी मशीयत इंसान के इरादे के साथ न जुड़ जाए। और कुरान कहता है وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, تمہارا چاہنا اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ رب ذوالجلال بھی اس کو پورا کرنے کا ارادہ نہ کر رہا ہے۔ میں نے چاہا کہ میں 8 بجے پہنچ جاؤں لیکن میرے رب نے نہیں چاہا तो मैं देर घंटा लेट पहुंचा। मुसलमान, तुम्हारे दिल और दिमाग में ये बात बैठनी चाहिए कि जो कुछ होता है वो मैं चला उसके पर उसके बगैर कोई पत्ता के जला सकते। दोस्तों साथियों, मुझसे कहा गया है कि मेरा मौजूद है तहज्जुद, मैं इस मौजू से मुताल्लिक कुछ बातें कहकर जब आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाने की कोशिश करूं। मेरे दोस्तों साथियों, इस जहान में रहने वाले इंसानों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद सबसे बड़ा एहसान अगर किसी का है तो वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबसे बड़े मोहसिन हैं हमारे, सिर्फ मुसलमानों के मोहसिन नहीं हैं, आपका लकब है मोहसिन इंसानियत, आपका लकब है रहमतुल लिल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान के लिए रहमत और मोहसिन बनकर के तशरीफ लाए। नबी से पूछकर मुसलमान के ईमान का सहाबे इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम बातों को अपने कानों से सुना। सहाबे किराम तो हैं जिन्होंने
जान नबी के हुक्म पर कुर्बान की है। सहाबा किराम को है कि उन्होंने नबी के एक इशारे पर अपनी औरतों को बेवा किया, अपने बच्चों को यतीम किया, अपने घर बार को छोड़ करके नबी के हुक्म को बजा लाने के लिए निकल पड़े। खुदा ने उनकी इस कुर्बानी को कबूल करके वो अजमत अता फरमाई जो उम्मत में किसी को अता नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत एक मोमिन के ईमान का लाजमी जुज है। जब तक आका की मोहब्बत दिल में नहीं होगी किसी शख्स का ईमान कामिल और मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन मेरे दोस्तों साथियों, आका से मोहब्बत का क्या मतलब? नारे इशारत दबावे तो आका से मोहब्बत करने वालों में तुम्हारा नाम शामिल होगा, जुलूस से मोहब्बत निकालो पे तो आका से मोहब्बत करने वालों में तुम्हारा नाम शामिल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और सीरत को बयान करने के लिए बड़े बड़े जलसे करोगे तब आका से मोहब्बत करने वालों में तुम्हारा नाम शामिल होगा? नहीं, ये धोखा। आका खुद फरमाते हैं, فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو کر کے اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتے ہو، اس سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو بنانا چاہتے ہو، اگر مجھ سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو کر کے اللہ کے بندوزیرہ بندے بننا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ میری سنتوں کو سینے سے جلانے کی۔ جو میری سنتوں پر عمل کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ جو میں نے کہتا آقا ہوں، اور دیکھو تحفظ سنت کے عنوان سے گفتگو کرنے اور سننے والے کے یہ لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے رکھتے دل میں آقا کی محبت کی شمع کو روشن۔ اور یہ سن لو کہ جو نبی کی سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہے وہ زبان سے کتنا ہی آقا سے محبت کا دعویٰ کرے، خدا کے نام اس کے صداقے کی کوئی حیثیت۔ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنتوں کا عمل کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ اور دیکھو جو آقا سے محبت کرنے والا بن گیا، آقا سے محبت کرنے والوں میں جو شامل ہو گیا، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم سے جو آقا سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو گیا خدا اس کو دنیا میں کے ہر فتنے سے محفوظ رکھے گا اور قیامت کے دن بھی اس کو نجات سے برقرار۔ آج امت فتنے میں گھری ہوئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آقا کی سنتوں کو سینے سے گلانے کے بجائے پیروں تلے کچلا جا رہا ہے۔ سو بتاؤ خدا کی رحمت کو ذرہ کرتے ہیں۔ نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو یہی مسلمان سڑکوں پر نکل کر کے گستاخی کرنے والے کے خلاف صدائے احتجاج بلند اور جب بھول جاتا ہے کہ جس طرح نعوذ باللہ نبی کا کارٹون بنانا نبی کی شان میں گستاخی ہے، نبی کو گالی دینا نبی کی شان میں گستاخی ہے، نبی کو برا بھلا کہنا نبی کی شان میں گستاخی ہے، اسی طرح نبی کی سنتوں کو پیرو تلے کچلنا بھی نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ بتاؤ آج مسلمان میں گستاخی نہیں کر پا رہا، آفتیں نہیں آئیں گی اس کے آگے، بربادیاں ہمارے گھر پر زمانہ نہیں دیکھیں گی۔ سنت کا تعلق محبت سے، جب آقا کی محبت دل میں ہوگی تو آقا کی ایک ایک مزا کی نقل اتارنے میں مزا ہوگی، جس سے عشق ہو جاتا ہے آدمی اس کے چلنے کی نقل اتارتا ہے، بیٹھنے کی نفر ہوتا ہے، اس کے بولنے کی نفر ہوتا ہے، اس کے ہر ہر روح کو اپنے اندر سمانے کی کوشش ہے۔
अगर है तो एडवांस कल्चर को तो आज सबसे ज्यादा पसंद क्यों करते? किसी से शिकायत मत कर, खुद अपने गिरेबान में झांक। आज जो मुल्क के हालात हैं उनमें किसी को दोषी मत ठहरा, हम और तुम उसके दोषी। और मैं तुम्हें एक हदीस सुनाऊंगा, और करो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में कोई काम अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं। अगर मुसलमानों तुम्हारा कत्लेआम हो रहा है तो खुदा की मर्जी। अगर जालिम हुकुमरान तुम्हारे सरों पर मुसल्लत है, खुदा की मर्जी। अगर तुम दलदल की ठोकर खा रहे हो तो खुदा की मर्जी। अल्लाह हर चीज से वाकिफ है और वो अहकमुल हाकिमीन है, जो कुछ होता है उसके आफतें जो मुसीबतें जिन्होंने हमें घेरे में लिया है सारी दुनिया में, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में क्या फरमाता है? फरमाता है वमा असाबकुम मुसीबतुन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफु अन कसीर। अल्लाह कहता है जो मुसीबत आती है, जो परेशानी आती है, ऐ ईमान वालों, रब्बे जुल जलाल कहता है जो मुसीबत आती है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अपने करतूत का नतीजा है। तुम्हारे अमल, तुम्हारे अक्वाल, तुम्हारे अफ़आल, तुम्हारे करतूत जब रब्बे जुल जलाल के हुक्म के खिलाफ हो गए तो याद रखो खुदा की रहमत नहीं आएगी, बल्कि और अल्लाह रब्बुल इज्जत अजीब बात कहता है आयत वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफु अन कसीर। फरमाता है जितनी मुसीबतें आती हैं, जितनी आफतें आती हैं, ऐ बंदो तुम्हारे अपने पूरे करतूत का नतीजा है। और सुन लो, फरमाता है बड़ा रहीम, बड़ा करीम, बड़ा माफ करने वाला, मैं तुम्हारे बहुत से गुनाहों को फ्री में माफ करता हूँ। कबीर, आप चंद गुनाहों पर तुम्हारी माफ़ करता हूँ। अल्लाह तो बड़ा रहीम है, जिस तरह तुमने बहुत से गुनाहों को माफ कर दिया, जो बाकी हैं उनको भी माफ कर दे, फखर क्यों करता? जब वो फखर करने की वजह की दूसरी आयत का जिक्र करता हूँ और कहता है صاحب الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون। मेरे दोस्तों, अल्लाह वजह बयान करता है, कहता है खुश्की में और तरी में कहीं पर भी अगर कोई फितना, मुसीबत और आफत आती है तो ऐ इंसानों, ये तुम्हारे अपने बुरे अमाल का नतीजा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत से गुनाहों को फ्री में माफ कर देता है, कुछ गुनाहों पर पकड़ करता है। अल्लाह कुछ गुनाहों पर क्यों पकड़ करता है? और माता मैं रही, मैं बात करी, मैं कुछ गुनाहों का मजा तुमको चखाता क्यों? लियुनी कबुन बक्त लगी आनी لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ। तुम्हारे पांच गुनाहों का मजा तुमको चखाता हूँ ताकि तुम उस अजाब में और मुसीबत में गिरफ्तार हो करके जहन्नम के रास्ते को छोड़ करके जन्नत के रास्ते पर चलने वाले हो। बताओ, यह खुदा का रहम करम है कि नहीं है? वो हमें मुसीबतों में, परेशानियों में गुनाहों से तौबा करने वाले, वो नहीं चलता।
बहुत बढ़ा दो इसकी। बड़े वाले चला दो, बड़े वाले नहीं चले। दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत रहीम है, करीम, वो आफतों और मुसीबतों में मुब्तला करके अपने बंदों को अपनी जिंदगियों को तब्दील करने, गुनाहों को छोड़ने, जहन्नम के रास्ते से पीछे हटने और जन्नत की राहों पर चलने का मौका देता है। लेकिन बदनसीब है वो लोग जो मुसीबतों पर मुसीबतें झेलते हैं लेकिन अपनी जिंदगियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें सुधरने का मौका देता हूँ, सुधरता हूँ, वरना याद रखो मुझे तुम्हारी नमाजों की जरूरत नहीं, तुम्हारे रोजों की जरूरत नहीं, तुम्हारे हज की जरूरत नहीं, तुम्हारी इबादतों की जरूरत नहीं। अल्लाह कहता है मैं मेरी आज हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ तुम मेरे मोहताज हो, तुम एक कदम मेरी मंशा की बगैर उठा नहीं सकते। ये मेरा हाथ है, मैं अगर इस पर हरकत देने के लिए उठाऊं तो ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक रब्बुल जलाल न चाहे। अगर खुदा ये चाहे कि हाथ की हरकत बंद हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत इस हाथ की हरकत को पैदा नहीं करती। मेरे दोस्तों साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको अपनी तरफ बुला रहा है। ये मुसीबतें हमारे अपने अमाल का नतीजा है। चुनांचे मैं कह रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में इस बात की वजाहत और कहते हैं कि अल्लाह ये कहता है, यानी हदीस है कुदसी है, अल्लाह ये कहता है अना मलिकुल मुल्क, ऐ लोगों मैं शहंशाहों का शहंशाह, कुलूकुल मुल्क बियदी, सारे बादशाहों को हुक्मरानों के दिल मेरे कब्जे में है। और आगे क्या कहता है, फरमाता है इन इबादती का अबादूनी हवल कुमुन पर कुमुन की इबादत की वर्वाहती वर्वाहती, फरमाता है कि तमाम इंसानों तमाम बादशाहों हुक्मरानों के कुलूम मेरे कब्जे कुदरत में हैं। जब मेरे बंदे मेरी इबादत करते हैं, मेरी फरमाबरदारी करते हैं और मेरे अहकाम पर अमल करते हैं तो मैं हुक्मरानों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत को और प्यार को पैदा करता हूं। हुकूमत चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे प्रजनन दल की हो, हाकिम कोई भी हो, उसका दिल अल्लाह परेशान कर कर रखे। अल्लाह कहता है कुर्सी पर कोई भी बैठा हो तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल मत करो, कोई भी कुर्सी पर आप बैठे तो तुम्हें कुछ फिक्र नहीं करना, तुम तो अपने रब को राजी कर लो, उधर उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत को प्यार अन्न इबादत इदा अताउनी हवलतु कुलूब कुलूबी अलैहि फिर रहमति व रहमति। और आगे क्या कहता है अल्लाह इस हदीस कुदसी, नबी फरमाते हैं कि अल्लाह कहता है जब मेरे बंदे मेरी नाफरमानी करते हैं तो हाकिम कोई भी हो, कोई भी पार्टी जीते, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर किसी भी पार्टी का बने, अल्लाह कहता है जब मेरे बंदे मेरी नाफरमानी करते हैं तो कुर्सी पर जो भी यहाँ पे बैठता है तो उसके दिल में अपने बंदों के लिए नफरत और अदावत को मिटा देता है। पार्टियां कुछ नहीं कर सकती, ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकते, करने वाले साथ अल्लाह। मुसलमान अल्लाह से
शांति की बात है छठ चरण। अल्लाह से अपने दामों को जोड़ो, कामयाबियां तुम्हारी तहरीज पर कदम बोसी करने के लिए आ जाए। अल्लाह से अपने दामों को जोड़ो, हर तरफ से कामयाबी के दरवाजे खुलते चले जाए। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, इश्क, अकीदत अगर किसी मुसलमान के दिल में पैदा हो जाए तो वो इस बात को सुनने का वो सिर्फ अल्लाह के नबी का महबूब नहीं बनेगा, वो खुदा का भी महबूब बन जाएगा। वो अगर खुदा का महबूब बनना चाहता है तो नबी की सुन्नतों को सीने से लगा, खुदा अपने महबूब बंदों की फहरिस्त में तेरे नाम को शामिल कर। मैंने कहता अल्लाह कहता फरमाता है उन Thank you.